और ब्यूटीफुल नेल्स के लिए प्रॉपर नेल केयर रूटीन होना बहुत जरूरी है और इसीलिए आज मैं आपसे मैनीक्योर रूटीन शेयर करने वाली हूँ। सबसे पहले एसीटोन फ्री नेल पॉलिश रिमूवर से पुरानी नेल पेंट को निकाल दीजिए। एसीटोन फ्री नेल पेंट रिमूवर नेल्स को टूटने से प्रिवेंट करता है। उसके बाद हम लेंगे बॉडी सोप और इसे हम डालेंगे गुनगुने पानी में। हाथों को पानी में 5 से 10 मिनट के लिए सोक करके रखें। ब्रश से नेल्स को स्क्रब करें ताकि नेल्स के अंदर जितना भी गंदगी है वो निकल जाए। इसके बाद दोनों हाथों को साफ पानी से धो ले और पैट ड्राई करें। नेल्स को सोक करके रखने से नेल्स सॉफ्ट बन जाते हैं और इससे आसानी होती है नेल्स कट करने के लिए या नेल्स को शेप। तो कोई भी अच्छे क्वालिटी के कटर या ट्रिमर से नेल्स को ट्रिम कीजिए और उसके बाद नेल्स को फाइल करें। फाइलिंग करते वक्त नेल्स के कॉर्नर से सेंटर तक फाइलर घुमा के फाइल करें। फाइलर नेल्स पे घिसाना नहीं है, इससे नेल्स ब्रेक हो सकते हैं। नेल के सरफेस को बफर से स्मूथ करें। इसके बाद हम क्यूटिकल क्रीम या क्यूटिकल ऑयल अप्लाई करेंगे नेल्स पे, जिससे क्यूटिकल्स सॉफ्ट हो जाएंगे और इसे हम इजीली ट्रिम कर सकते हैं और पुश भी कर सकते हैं। अभी हम क्यूटिकल्स को ट्रिम कर रहे हैं, ये स्टेप कम्प्लीटली ऑप्शनल है। अगर आप ट्रिम नहीं करना चाहते क्यूटिकल्स को तो मत कीजिए। क्यूटिकल्स नेल बेड को बैक्टीरिया से बचाते हैं, इसलिए क्यूटिकल्स को बहुत ही जेंटली पुश करना है, रफली पुश ना करें। इसके बाद हम नेल्स पे मॉइस्चराइजर लगाएंगे। एक्सेस मॉइस्चराइजर को निकाल देना है कॉटन से। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि अगर मॉइस्चराइजर नेल्स पे रहा तो नेल पेंट आप ठीक से अप्लाई नहीं कर पाओगे। नेल्स पे बेस कोट लगाएं, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप है, स्पेशली जिनके नेल्स बहुत वीक और ब्रूटल है उनके लिए। बेस कोट नेचुरल नेल को प्रोटेक्ट करता है। बेस कोट सूखने के बाद आप कोई भी मनचाहा नेल पेंट लगाएं। इसको आप 2 या 3 कोट में लगा सकते हो। ध्यान रहे पहला कोट सूखने के बाद दूसरा कोट लगाना है। नेल पेंट सूखने के बाद हम लगाएंगे टॉप कोट, जिससे नेल्स शाइन करेंगे और नेल पेंट ज्यादा दिन तक टिकी रहेगी। इस रूटीन को आप 2 वीक में एक बार कर सकते हैं अच्छे रिजल्ट्स के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।